आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन जो पिछला लेक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका अगर एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी की बात कर ले काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन उनके फंक्शंस बहुत स्मूथली हो रहे थे। फिजियोलॉजी के लिहाज से वो बहुत आसान था, लेकिन आज का जो लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बज़ाहिर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इनके अगर हम फंक्शंस की बात कर दें तो काफ़ी डिफिकल्ट है। नंबर वन, ये फ़र्क भी है कि ये सारा तकरीबन इनसाइड ऑफ द बॉडी है, लेकिन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो आधा आउटसाइड ऑफ द बॉडी था, आधा इनसाइड ऑफ द बॉडी है। तो इस वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, फंक्शंस के हवाले से बाकायदा मुश्किल है, क्योंकि इसके सारे फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स है। इनके फंक्शंस आज आपको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएंगे, अलबत्त स्ट्रक्चर वगैरह समझ आ जाएगा। मुकम्मल फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम ओवेरियन साइकिल यानी कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल ये सिस्टम समझ आ जाएगा। तो कोशिश करते ये समझने की कि इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, इसका एनाटॉमी क्या है, इसका फिजियोलॉजी किस तरह काम सर अंजाम दे रहा है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा डायग्राम नज़र आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन है और सेकेंड वन जो पोर्शन है ये बिल्कुल बैलेंस आते हैं, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा वाइड लिखा है। वजह है कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लेबल करने थे, आपको समझाने थे, वरना इन दोनों का साइज सेम आता है। आपको ये भी पता है कि फीमेल के जो गोनेड्स हैं ओवरीज, वो इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन इस रीजन को कहते हैं, और ये किडनी से मामूली से नीचे होते हैं और उसके मतलब पोस्टेरियर पोर्शन पर होते हैं, और डॉर्सल वॉल बॉडी के डॉर्सल वॉल के साथ अटैच होते हैं। एक ये वेंट्रल साइड है, एक पीछे वाला डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड के बॉडी वॉल के साथ ये अटैच है। ये अगर आप मेरे हाथों को देखें, इसका पोजिशन अक्सर इस तरह होता है ओवरीज का। सेकेंड बात यह है कि यहाँ पर मैंने दो ओवरीज ड्रा किए हैं ओवल शेप के, हालांकि ये मुकम्मल राउंड नहीं होते, जिस तरह मैंने इधर राउंड बनाए हैं ये इस तरह एलमोंड बादाम की शेप जैसे होते हैं। और इसके अगर हम लंबाई की बात करें, एक ओवरी की लंबाई की 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। अगर हम डायमीटर की बात कर लें, मोटाई की उसकी बात कर लें, विड्थ की बात कर लें, 4 से 5 सेंटीमीटर ये विड्थ में होते हैं। तो ये दो ओवरीज दोनों फंक्शनल होते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी, हालांकि इनके अंदर जो फोलिकल्स है अंडे बनने के लिए उसका जो मेचोरेशन हो रहा होता है, वो फोलिकल्स माँ के पेट के अंदर भी बच्चे के अंदर होती है, बच्ची के अंदर होती है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते। हालांकि आपको पिछला लेक्चर याद होगा, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब के सब एक्टिवेट हो जाता है, या उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे आफ्टर द प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर ये चीज़ें मौजूद ऑलरेडी होते हैं, लेकिन मेचोरेशन उसका प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, अक्सर 14 साल बाद, 15 साल बाद, कहीं बार 12-13 साल बाद भी ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये भी पता है, आपने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम सुना होगा, माहवारी का नाम सुना होगा, ये हर मंथ होता है, 28 डेज के बाद ये स्टार्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपको दो ओरीज नजर आ रहे हैं, एक ओरी ये है, एक ओरी है, लेफ्ट ओरी एंड राइट ओरी, सही। एक महीना एक ओरी ने अंडा रिलीज करना है, दूसरे महीना दूसरे अंडे ओरी ने अंडा रिलीज करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो ओरी है, ओरी के बाद एक ट्यूब स्टार्ट हो रहा है, एक ट्यूब है, एक नाली है, जिसका नाम है या तो यूटेराइन ट्यूब, या इसको पिलुपियन ट्यूब कहते हैं, या फिर इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो ओविडक्ट है ये यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ मस्कुलर या फिब्रस अर्गन्स जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये ब्लू कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये फिम्ब्री है। क्या है? फिम्ब्री। जब यहाँ से एग रिलीज होता है तो ये फिम्ब्री क्या करते हैं, ये इस तरह बीटिंग करते हैं, जिस तरह फ्लेजेला या सिलिया इस तरह बीटिंग करते हैं, इस तरह बीटिंग से ये एक सक्शन पैदा कर देता है, अंडे को एग को सक कर लेता है। और इसके सक्शन के बाद आपको पता है कि इंसान की जो एग है वो बहुत छोटी है, यानी कि उसका तकरीबन डायमीटर 120 माइक्रोमीटर है, मतलब हम आमतौर पर मुर्गियों के अंडे के बारे में
इमेजिनेशन करते हैं कि ये इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी नहीं है, न इसके ऊपर कोई बाकायदा चलका है। सॉरी यार, रमजान में गला भी साथ नहीं दे रहा। यहां पर एक फनल शेप जैसा इसका स्टार्ट हो रहा है, जिसको एनपेंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनपेंडिबुलम। यहां से एनपेंडिबुलम के बाद जब आगे हम आ जाते हैं फीमेल के बॉडी की तरफ इनसाइड, यहां पर एक और भी स्ट्रक्चर है जो मामूली सा वाइड है। यहां पर मैंने बाकायदा वाइड ड्रा नहीं किया है। यहां से लेकर यहां तक इस पोर्शन को कहते हैं एम्प्यूला। इसको क्या कहते हैं? एम्प्यूला। अक्सर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यहाँ होता है, यानी एग यहाँ से आ जाता है, इधर ठहर जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कि स्पर्म को स्टिमुलेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, और स्पर्म जाकर यहाँ तक आ जाते हैं ट्रेवल करके। यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, बाद में इम्प्लांटेशन तो यूटेरस के अंदर होता है, वो बाद में हम पढ़ते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फिलोपियन ट्यूब है, ये तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है ये नाली। इसके बाद ये वाली खास बॉडी की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर इस पोर्शन की बात करें, ये फंडिक पोर्शन है, या इसको फंडस कहते हैं, या फंडस ऑफ यूटेरस कहते हैं। ये मोटा लाइन लेयर जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये फंडस है। फंडस के बाद खासकर ये जो आपको खाली कैविटी नजर आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सब के सब क्या है? यूटेरस है, जिसको उर्दू में बच्चादानी कहते हैं। मच्छरदानी नहीं, बच्चादानी, सही। अच्छा, ये जो बच्चादानी है, ये अमूमन 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी या उसका डायमीटर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये 24 बार अपने आप से अपना साइज एक्सटेंड कर सकता है। यूटेरस के अंदर क्या है? बच्चेदानी के अंदर एक्सटेंशन का एबिलिटी है, ये एक्सटेंड हो सकता है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। हो सकता है ट्विंस हो सकता है ट्रिपल बच्चे हो वहाँ पर, तो फिर इसका साइज 24 टाइम्स बढ़ सकता है अपने आप के साइज से। अमूमन ये नॉर्मली 7.5 सेंटीमीटर होता है। इस यूटेरस को हम यूटेराइन कैविटी भी कहते हैं, या इसको वॉम्ब भी कहते हैं। इसके बाद यूटेरस की जो दीवारें हैं, ये वाले खासकर, इसका बड़ा किरदार है इसमें। ये मस्कुलर लेयर है, लेकिन ये तीन लेयर से मिलकर बना है। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। बाद में मायोमेट्रियम है, जो सबसे मोटा है और मस्कुलर लेयर है, ये सारे मसल से मिलकर बने हैं। ये मसल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कॉन्ट्रैक्ट होकर बर्थ को भी, मतलब उसका प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं, और साथ साथ में एक प्लेसेंटा प्रोड्यूस करना, बच्चे को 9 महीने तक अपने आप के साथ अटैच करना, ये सारे काम ये वाले पोर्शन खास कर करते हैं, मायोमेट्रियम, जो इसके अंदर ज्यादा मसल्स है। इसके बाद एंडोमेट्रियम है, अंदर वाला लेयर, जो कि हाईली फोल्डेड होता है। मैंने तो यहाँ पर सिंपल सा ड्रा किया, ये इस तरह होता है, इस तरह स्पॉन्जिंग लेयर है, हर एक को हम क्रिप्ट कहते हैं। तो अक्सर जब इंसान का स्पर्म आता है, वो भी यहाँ पर अगर यहाँ तक पहुँच गया, तो वो स्पर्म 4 दिन 5 दिन 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अगर यहाँ तक इन फोल्डिंग्स तक नहीं आया, यहाँ तक रहा, तो उसका डेथ जल्दी हो सकती है। अच्छा, ये दोनों लेयर जब आ जाते हैं, तो इसका एंड वाले पोर्शन पर एक मस्कुलर रिंग बना लेता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत नेरो स्ट्रक्चर है, जिसको हम सर्वेक्स कहते हैं। और सर्विस की इस मुकम्मल नाली को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो कि अमूमन 1 से 2 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर सर्विक्स का, लेकिन बर्थ के टाइम ये 11 से 12 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, क्योंकि बर्थ में सारा तकलीफ, मतलब जो दुश्वारी है, वो इस पोर्शन ने बना कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है फिटस के या बच्चे के निकलने का, लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत नेरो है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ हार्मोन्स है वो इसके ऊपर हमला, इसको स्टिमुलेट करके या इसको अंडर इन्फ्लुएंस करके इसका साइज 10 से 12 सेंटीमीटर कर देता है, फिर मतलब बर्थ मुमकिन है। बर्थ हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग एक लेक्चर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा नाली वापस स्टार्ट हो रहा है, जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाली है, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। इस पोर्शन को ओपनिंग को, ये वाला, ये क्या है? ये वेजाइना है, और ये वेजाइनल कैनाल है। यहाँ से लेकर ये 8 से 10 सेंटीमीटर, ये क्या है? वेजाइनल कैनाल है।
वेजाइनल कैनाल के अंदर आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये एक मस्कुलर अर्गन है, एक पर्दा है, मेम्ब्रेन है, जिसका नाम है हाइमन। ये खासकर वर्जन लड़कियों के अंदर होता है, फीमेल के अंदर। ये अक्सर फर्स्ट जो वर्जिनिटी को तोड़ने वाला प्रोसेस यानी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें ये टूट जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग का ये मिसकंसेप्ट है कि मतलब हत्ता के तलाक का रेशो भी इसी चीज़ से बढ़ता है कि वो जब शादी के बाद इंटरकोर्स करता है फर्स्ट में, अगर ये ब्लीडिंग ना करे या मतलब उसको शक हो जाए कि यार यहाँ पर हाइमन है नहीं, तो इसके बीच में डाइवोर्स तक आ जाता है। आपको आज क्लियर करा दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से टूटता नहीं है, बल्कि अगर कोई बच्ची खेल रही होती है, कहीं से जंप लगा कर बैठी है, मतलब कहीं पर गिर जाती है, बाइसिकल चला रही होती है, इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज जिससे ये पर्दा पट जाती है। और ये कुछ ऐसी फीमेल है जिनके अंदर बहुत नेरो होता है, स्टार्ट में ही ये पट जाती है। लेकिन अक्सर वर्जन जो लड़कियां हैं उसका फर्स्ट इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये टूट जाती है। इसके बाद ये जो आपका मतलब लास्ट वाला पोर्शन है, इसको ये जो वेजाइना है या वेजाइनल कैनाल, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि बर्थ यहाँ से होता है। इसके ऊपर आखिरी वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर कुछ लिप्सनुमा स्ट्रक्चर है जिसको वल्वा कहते हैं, ओपनिंग ऑफ वेजाइना के ऊपर, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ, जो कि यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रा कर सकता हूँ, एक लकी मना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर मैंने कोई यूरिथ्रा की बात नहीं की, हालांकि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बाकायदा यूरिथ्रा भी पढ़ा। यहाँ पर मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फीमेल के अंदर जो जेनेटल आर्गन है या यूरिथ्रा है, ये दोनों अलग अलग है। किस तरह यहाँ पर मैंने साइड वाला मामूली सा छोटा सा लेक्चर स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है, ये उसका यूरिनरी ब्लैडर है जो कि साइड पर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को मामूली इस तरह साइड पर करें, थ्री डी स्ट्रक्चर अगर हम इसका देख ले, फिर आपको ये वाला समझ आ जाएगा। यहाँ से यूरिथ्रा आ रहा है, यहाँ से विजाइना आ रहा है, ये यहाँ से विजाइना, तो यहाँ से यूरिथ्रा, उसका यूरिथ्रा एक अलग छोटा सा ओपनिंग है। इसके साथ साथ एक छोटा सा मस्कुलर अर्गन है जो कि इसके एंड पर है, वेजाइना और यूरिथ्रा के जंक्शन पर है, जिसका नाम है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस का फंक्शन भी मैं यहाँ पर आपको सही तो नहीं बता सकता, इसका खास कर फंक्शन ये है कि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट देता है, गुड फीलिंग्स देते हैं टच करने से। और ये था एक सिंपल सा लेक्चर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, ये दो ओवरीज आपके ये जो बॉडी वॉल है यहाँ पर लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं, यहाँ पर भी लिगामेंट्स है। मैंने इधर राइटिंग की थी, लेबल किया था, इस वजह से मैंने ड्रा नहीं किया। यहाँ पर ग्रीन कलर का अगर आपको नजर आ रहा है, कुछ लिगामेंट्स है जिन्होंने इन ओरिज को बॉडी वॉल के साथ अटैच कर रखे हैं। आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का काम नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए है, इसने मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसीलिए जाना है क्योंकि इन्होंने 280 डेज यानी कि 9 महीने तक बच्चे का नोरिशमेंट भी उसको देना है, बाद में बर्थ के बाद उसको फीडिंग कराना है, और इनसाइड द बॉडी जेस्टेशन पीरियड में उसका ख्याल रखना है, थ्रू प्लेसेंटा उसके साथ अटैच रहता है, गैसियस एक्सचेंज सारी एक्टिविटीज फीमेल के साथ उसका इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर और भी खूब समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।